गाइस आज है क्लास टू। इसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ टूल्स के बारे में, कौन कौन से टाइप्स के टूल्स हम यूज़ करेंगे नेल आर्ट के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारा पुशर। इससे हम जो हमारे क्यूटिकल होते हैं इसको हम पीछे की तरफ पुश करते हैं। ये हमारे पीछे क्यूटिकल को पीछे करने में हेल्प करता है। और जो भी क्यूटिकल के नीचे से डेड स्किन होती है ये उसमें निकालने में हमारी हेल्प करता है। सेकंड है हमारा क्यूटिकल कटर। इसका यूज़ क्या होता है, जो हमारा डेड स्किन में क्यूटिकल कलेक्ट हो जाता है उसको हम क्या करते हैं, ऐसे करके कट कर देते हैं। ये होता है हमारा टिप कटर। टिप कटर का यूज़ इसलिए होता है कि जैसे जिस भी कस्टमर को जितनी भी लेंथ रखवानी है अपनी नेल्स की या टिप की, उसको उतना ही रखने के लिए हम एक्स्ट्रा वाले को कट कर देते हैं ऐसे करके। ये है एज़ यू ऑलवेज नो, ये है नेल कटर नेल्स को कट करने के लिए। इसे कहते हैं बफर। इसका आगे मैं आपको यूज़ बताऊंगी। और इसे कहते हैं फाइलर, नेल को फाइल करने के ही आता है काम। इसे कहते हैं हम पफी ब्रश। जो भी हमारे स्किन पे डेड स्किन पे डस्ट वगैरह रह जाती है उसको क्लीन करने के लिए ये हमें हमारे काम आता है। उसके बाद चलते हैं हम ब्रशेस पे। तो ब्रशेस में हमारे ये जो होते हैं इन्हें कहते हैं डॉटेड पेन। इनको हम कहते हैं डॉटेड पेन। ये हमारे होते हैं 000 के ब्रशेस। इसको हम कहते हैं 000 के ब्रशेस। ये हमारे कोई भी ब्रश आर्ट में या कुछ भी हम पिक्चर्स वगैरह ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें हेल्प करते हैं। ये आपको बेसिक किट के अंदर मिलते हैं ब्रश आर्ट की। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी ये टूल्स होते हैं बट वन होते हैं। जैसे कि ये रहा, इसे कहते हैं यूनिकॉर्न ब्रश। ये होता है हमारा यूनिकॉर्न ब्रश। जब भी हम कभी भी ग्लिटर नेल आर्ट करते हैं तो उसमें हम ये ब्रश यूज़ करते हैं। फिर बात करते हैं हम एक्सटेंशंस की। एक्सटेंशंस में जब हम जेल एक्सटेंशन करते हैं तो हम यूज़ करते हैं ये वाला ब्रश। ये है आपका नंबर 1 जेल एक्सटेंशंस के लिए। और उसके बाद हम यूज़ करते हैं अक्रैलिक के अंदर ये वाला ब्रश। ये नंबर 8 का ब्रश है जिससे हम अक्रैलिक करते हैं। ये होता है हमारा यूवी लैम्प जिसमें हम अपनी नेल पेंट को क्योर करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेल की। तो नेल कितने टाइप्स होते हैं आप देख सकते हो। अगर आपने टाइप्स ऑफ नेल की एक पर्सनली वीडियो चाहिए तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि ये शेप कैसे बनाते हैं, मैं उसका अलग से एक वीडियो बना के आप शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बाय बाय।